खजनी पुलिस ने ट्रक सहित चीनी को चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके संबंध में सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि 7 अगस्त को चोरी की घटना का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसका सोमवार को पर्दाफाश कर दिया गया है, जिसमें चोरी के आरोप में खजनी थाना क्षेत्र के राम नारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय मार्कंडे सिंह निवासी उसवा बाबू तथा रामपाल पुत्र रामचंद निषाद निवासी घागुपार को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने 371 बोरी शेष चीनी, जिसका मूल्य लगभग 6 लाख रुपए तथा रामपाल पुत्र रामचंद निषाद के पास से बेची गई चीनी के 67,500 रुपए व राम नारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय मार्कंडे सिंह के पास से बेची गई चीनी के 48,500 रुपए बरामद किए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया। ये दिनांक 7 अगस्त की घटना है। वादी राम नारायण सिंह ने हम लोगों को सूचना दिया कि तेनुआ टोल प्लाजा के अंतर्गत 600 बोरी चीनी का माल जो ट्रक संख्या UP 53DT 6017 से आ रहा था, ये चोरी हो गया, जिसके संबंध में हमने 555/2020 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर कार्रवाई चालू किया। इस कार्रवाई के क्रम में कुछ बातें संदेहास्पद लगी, जो ट्रक मालिक और ड्राइवरों का वर्जन था उसमें संदेहास्पद स्थिति सामने आई, जिसमें हमने जो है मुखबिर और सर्विलांस की सहायता से थोड़ा मेहनत करते हुए समझा कि आखिर वास्तविकता क्या है। बाद में पता चला कि ट्रक मालिक राम नारायण सिंह और उनके सहयोगी रामपाल सिंह, इन लोगों का नियत डोल गई थी और इन्होंने चीनी चोरी करके कुछ बोरियाँ उन्होंने बेच दिया, बाकी हमने 378 बोरी रिकवर की है, साथ में 1 लाख से ऊपर पैसे भी हमने रिकवर किया है, 1,16,000 रुपये हमने रिकवर किया है। इसमें दो लोग, एक नीलकंठ उपाध्याय वकील साहब हैं और एक राम सिंह पुत्र जय सिंह, दो लोगों की और भूमिका है जो अभी फरार चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।